गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं वेब डेट विद गौरव। आज की इस जॉब की वीडियो में लेके आ चुका हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस डेवलपर। जो फ्रेशर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है वो मेरे सामने आप देख सकते हो स्क्रीन में, दैट्स अ फ्रंट एंड डेवलपर एट इम्पैक्ट ग्रुप। अभी इम्पैक्ट ग्रुप क्या है सब कुछ बताऊंगा। अगेन मैं लेके आया हूँ तो कोई ऐसी वैसी कंपनी की तो मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दूंगा नहीं। अगेन मैं आपको इस चैनल पर कोई भी जॉब अपडेट देता हूँ, दैट्स आई मेक श्योर कि वो क्वालिटी जॉब हो और जिससे आपका करियर ही बूस्टअप हो सके। सो स्टे इन दिस वीडियो। कंपनी बहुत ही अच्छी है, ये कंपनी नहीं एक्चुअली दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। सब डिटेल दूंगा आपको इस वीडियो में, सो बने रहो वीडियो के साथ। आगे चलते हैं, दिस इज फॉर फ्रेशर। जो नेक्स्ट दो जॉब है वो होने वाली हमारी एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए। तो सेकंड जो हमारी फर्स्ट फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर की जॉब है, ये है फ्रंट एंड डेवलपर एट माइक्रोसॉफ्ट। नाउ फॉर स्पेशली दिस पर्टिकुलर कंपनी प्रॉपर डिटेल दूंगा कि कैसे आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है ताकि आपको रिस्पॉन्स बैक आ सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू के रिसोर्सेज स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, सब डिटेल आपको मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ। देन गो ऑन फॉर सेकंड कंपनी फॉर अगेन एक्सपीरियंस डेवलपर्स, दैट्स एट लेंसकार्ट। एंड द कंपनी का जो प्रोफाइल जो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल है वो अगेन रिएक्टर्स फ्रंट एंड डेवलपर के लिए है। दोनों में आपको अराउंड 3 से 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए। और बाकी इस वीडियो को मैं एंड तक बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकते हैं जिससे आपको स्पेशली रिस्पॉन्स बैक आए बिना किसी प्रॉब्लम के। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आपको मैं अगेन इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ही। एंड एज वेल एज सैलरी क्या हो सकती है, प्लस आपका रेज्यूम आप कैसे बनाओगे, तो सब जानने के लिए इस वीडियो में बने रहो। और अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं शुरू। सो गाइस, जो फर्स्ट जॉब है हमारी वो है फ्रंट एंड डेवलपर एट इम्पैक्ट ग्रुप। आपको मैं बताता हूँ कंपनी कौन सी है। आपने हमेशा किसी किसी प्लेटफॉर्म में देखा होगा, कहीं फंड रेज कोई डालता होगा तो वहाँ पे आपने ये नाम जरूर सुना होगा इम्पैक्ट ग्रुप। मैं आपको साइट भी खोल दिखा देता हूँ। सो दिस इज बेसिकली अ फंड रेज प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी कोई नीडी पर्सन की कैंसर एंड ऑल दैट, कोई भी मेजर प्रॉब्लम है, कोई भी मेजर मनी इशू बेसिकली कह सकते हो, तो इस साइट पे बेसिकली वो लोग फंड रेज करते हैं। तो बेसिकली दे आर हायरिंग अ फ्रंट एंड डेवलपर फॉर देयर पर्टिकुलर साइट टू डेवलप इट मोर लाइक और ऑप्टिमाइज और अच्छी दिखे, तो उसके लिए ये बेसिकली हायरिंग कर रहे हैं। नाउ ऑन द सैलरी परस्पेक्टिव, डोंट वरी, सैलरी अच्छी है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो ऐसी चीज़ होती है वो सैलरी नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरी यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप इसमें अप्लाई करो, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो द होल प्रोसेस, स्पेशली फॉर फ्रेशर जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह के लिए। सो दिस वन वुड बी द बेस्ट टू किक स्टार्ट योर करियर। जो जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह हम आगे चले तो यहाँ जो मांगा गया है वो आपका HTML, CSS, JavaScript एंड responsive एप्लीकेशन, bootstrap का यहाँ पर यूज़ मांगा गया है। बेसिकली नॉलेज ऑफ वेबसाइट फ्रेमवर्क React.js, AngularJS इज द प्लस। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको React.js नहीं आती, Angular नहीं आती तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको अभी हेजिटेशन है React और Angular सीखने में, वो पर्टिकुलर इस जॉब के साथ आगे जा सकते हैं थ्रू एंड बाय डूइंग द जॉब। React.js और AngularJS में कोई एक फ्रेमवर्क आप पिक करके सीख सकते हो साइड बाई साइड, दैट वुड बी अ वेरी वेरी बेनिफिट फॉर यू टू डेवलप योर करियर। उसके अगर आगे चलें तो सेम जावास्क्रिप्ट में आपका होना चाहिए, 0 to 3 years एक्सपीरियंस जो है वो बताया मैंने। दिस इज स्पेशली फॉर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस डेवलपर, अगेन डोंट अप्लाई इन दिस कंपनी। उसके लिए आपको मैं आगे दो कंपनी के बारे में बताऊंगा, बट दिस इज बेसिकली फॉर फ्रेशर। अब अगर बात करूँ आपको रेज्यूम कैसे बनना चाहिए, तो यार फ्रेशर हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन क्या होती है, आपका होता है प्रोजेक्ट। रेज्यूम टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका। एक्सपीरियंस सेक्शन से हटाना है आपको, प्रोजेक्ट सेक्शन ऊपर लेके आना है। एंड जैसे मैंने लिखा हुआ प्रोजेक्ट्स, सेम इस तरह से आपको हेडिंग उसमें कोई भी आपका एक ऑनलाइन जो बताया क्या है प्रोजेक्ट, देन आपने कब स्टार्ट किया था एंड योर गिटहब प्रोफाइल। बट मैं एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ इसलिए मैंने यहाँ डिफाइन करा हुआ अपनी चीज़ें, यहाँ मैंने सिर्फ अपना गिटहब लिंक दे रखा है, बट आपको ऐसा नहीं करना। एक्सपीरियंस सेक्शन हमने हटा दिया तो अगेन वाइट स्पेस काफ़ी बढ़ जाएगा। उसको हटाने के लिए यू हैव टू डिस्क्राइब काइंड ऑफ दीज इन योर प्रोजेक्ट। तो आपको कम से कम चार प्रोजेक्ट ऐड करने पर रेज्यूमे के अंदर प्रॉपर डिस्क्राइब करने हैं, समथिंग एग्जैक्टली लाइक द बुलेट पॉइंट्स कि कैसे बनाया है वगैरह वगैरह, आप थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में उसमें ऐड कर सकते हो, दैट वुड लुक क्वाइट वेरी प्रोफेशनल। अब स्पेशली फॉर फ्रेशर अगेन गाइस, जिनको डाउट है कैसे ये चीज़ करी जाती है, रेज्यूम वगैरह इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको नहीं, आपको एक ड्रिल चाहिए, आपको एक देखना है कि कैसे हम एक्सपीरियंस दे सकते हैं, सो उन सबका सॉल्यूशन अगेन, अगर अभी तक आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, जो कि मेरे आप किसी वीडियो को ओपन करोगे उसके डिस्क्रिप्शन है, इस करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 6 month कोर्स है, वैन यूडन स्कूल। इसमें जाके आप अप्लाई करो, फ्रंट एंड बैक एंड DSA, प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रैक्टिस तक हर चीज़ सिखाई गई है। अगेन
एट जीरो अपफ्रंट फीस। अब ये जीरो का क्या चक्कर है, मतलब रियलिटी क्या है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मैं बता रहा हूँ तो अगेन कोई अच्छी चीज होगी, जाके रजिस्टर करो, स्टूडेंट्स को आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स बिफोर जॉइनिंग ओवर देयर। बट अगेन दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने का कोर्स है, कोई भी आपको ये नहीं देने वाला। सो बिना अब चलते अपनी आगे रेज्यूमे की तरफ। लेफ्ट साइड में अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, आपका जो एजुकेशन है, लिंक्स, स्किल्स एंड ऑल दैट। अब आते हैं जो हमारी मच अवेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, स्पेशली फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर। जो मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वो अगेन 3 ईयर का एक्सपीरियंस, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था 3 साल एक्सपीरियंस है। जो नॉलेज स्किल्स आपकी मांगी गई है वो HTML, JavaScript, TypeScript, CSS, दैट्स इट। अब यहाँ पर अपनी बेसिक गुड अंडरस्टैंडिंग आप बोला क्या है, जो मेन एक्सपर्टीज आपको चाहिए वो आपको चाहिए React Redux के अंदर। जो ये नॉकआउट जो लिखा हुआ है ये एक अगेन एडिशनल है, अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है देयर इज नो इश्यू एंड ऑल दैट। आप वो सर्च करो क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन गेट करो, दैट्स ऑल। बाकी MVC जो MVM, ओके मैं MVC कर रहा हूँ बताता हूँ, MVC आपने सुना ही होगा, लाइक मॉडल व्यू कंट्रोलर। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए एज अ UI डेवलपर, अगेन नॉट फॉर फ्रेशर, नॉट फॉर एक्सपीरियंस, मैं फ्रेशर के लिए बोल रहा हूँ कि MVC जरूर पढ़ लो। इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि M क्या होता है, V क्या होता है, C क्या होता है, दैट्स मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर। और ये सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं है, ये आपका एक पैटर्न होता है UI डेवलप करने का, जो कि कई बार इंटरव्यू डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो ये तो चलो हो गया हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि मेन कैसे आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे रिस्पॉन्स लाओगे। तो रिस्पॉन्स बैक, मतलब आपने अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं, 200 लोगों ने अब तक अप्लाई कर चुके हैं 3 दिन में, आगे 7 दिनों में और 1000 लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। तो आप एडिशनली कैसे प्रायोरिटी बनेगा इसमें अप्लाई रिस्पॉन्स लाने का, बहुत बताता हूँ। बट उससे पहले रिसोर्स क्या होने वाला है, पहला रिसोर्स अगेन यूडन स्कूल खुद है, जो आपने बताया फ्रेशर डेवलपमेंट कोर्स, इसको ज्वाइन करो, पूरा आपको इसमें इन डिटेल एक कंटेंट मिल जाएगा स्टार्टिंग में। 6 महीने नहीं आगे बस, नो इशू, कम से कम आई थिंक अप्लाई भी करोगे ना तो 1-2 महीने बाद इंटरव्यू होता है। आप इसमें जाओ, प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन आपको, एक मेन कह सकता है कंटेंट मिल जाएगा पहले सारा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, फिर उस कंटेंट में से ही पढ़ाते हैं सारे। एक तो आपका ये हो गया, सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीड कोड। लीड कोड से मैं खुद पर्सनल प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, आप लीड कोड यूज़ कर सकते हो, उसे ट्राई कर सकते हो, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोसॉफ्ट भी वहाँ पर सेक्शन बना हुआ है, आप उसे क्रैक कर सकते हो, उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आफ्टर दिस देर इज अ साइट नोन एज हैकर रैंक, लीड कोड, आई थिंक दीज टू आर द बेस्ट साइट्स अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसे बड़ी कंपनियों के लिए प्रिपेयर करना है फॉर इंटरव्यू। जो टॉपिक्स अभी मेन रहने वाले हैं वो अगेन सारे क्वेश्चन कह सकते हो DSA से घूम फिरा के ही आएंगे, चाहे वो जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछें, रिएक्ट के बारे में पूछें, कहीं से पूछे। जो पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस हमने पेपर इंटरव्यू किया था, सारे क्वेश्चन आपको JS वेब डेवलपमेंट से ही होंगे, बट वो ऑन द राउंड DSA ही आएगा कि भैया ठीक है आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अब बताओ उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। चलो ठीक है आपने बता दिया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कम बताओ, कम कैसे करेंगे, उसका लॉजिक बताओ। तो घुमा फिरा के थोड़ा एनालिटिक एबिलिटी स्किल्स के ऊपर ही बात आती है, तो मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व करो, थोड़ा आपको उसमें प्रैक्टिस मिलेगी कैसे आपको उसके आंसर देने हैं। बाकी रेज्यूम, आप सेम रेज्यूम यहाँ पे यूज कर सकते हो, सेम पैटर्न। दिस रेज्यूम गॉट सिलेक्टेड एट पेपर, TCS एंड इवन गूगल तक में ये रेज्यूम आपका सिलेक्ट हो रखा है, मेरा नहीं हो रखा, मेरे दोस्त का हो रखा है। मैं आपको करता हूँ, आई डिडंट गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम द गूगल येट, दिस रेज्यूम वॉज एक्सेप्टेड बाय वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज वर्किंग एट बॉस ऑफ गूगल। अब बात करते हैं आपका जो सेम पैटर्न रहेगा, एक्सपीरियंस आपको जो है सेम कंपनी नाम चेंज करो, अपना डेजिग्नेशन डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, एंड मेक श्योर प्रोजेक्ट कम से कम 3 से 4 इस तरह से अपने गेटअप के लिंक, अगेन जो लिंक होने चाहिए आपके वो रिएक्ट JS के आसपास के ही होने चाहिए, रिएक्ट JS, रिडक्स, एंगुलर भी चल जाएगा। सो अब ये तो हो गया सारी इन्फॉर्मेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एंड सेम फॉर लेंसकार्ट, जो आपको मैंने बताया डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे कैसे आपको अपना रेज्यूम बनाना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सेम अप्लाई आप लिंक्डइन में यहाँ पे लेंसकार्ट में कर सकते हो। जो यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज मांगी गई है वो रिएक्ट, नोड JS, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS मांगा गया है। नोड JS अगेन इज फॉर बैकएंड, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है दैट वुड बी गुड, और नहीं है तब भी अप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो वैसे ये सारे आपके होंगे 3 जॉब अपॉर्चुनिटी जो अभी रिसेंटली अवेलेबल है, फटाफट जाओ उसमें अप्लाई कर देना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो टिप एंड ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि आपको यूज करनी चाहिए अगर आपको चाहते हो किसी भी कंपनी से एक रिस्पॉन्स तक लाना। तो जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे माइंडट्री, लेंसकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, उसका पेज खोलो लिंक्डइन के अंदर, पीपल सेक्शन में जाओ और 8 से 10 डेवलपर, 8 से 10 HR के साथ हो जाओ कनेक्ट। आफ्टर 24 आवर्स यू विल गेट एटलीस्ट 50% ऑफ कनेक्शन बैक एंड देन योर गेम हैज स्टार्टेड।
you just need to message them with the job link and your resume as PDF attached that there is a job opening, and it would be great if you recommend me. Please go through from my resume, and if you think I can crack or something like a good line, please do recommend. That would be a great help. Be polite. और आई एम श्योर 100% श्योर अगर उनको आपका रेज्यूम पसंद आया है, एज ए रीजन मैं कह रहा था अपना रेज्यूम बनाओ बढ़िया, प्रोजेक्ट ऐड करो, थोड़ा दिखना चाहिए मोर वेरी प्रोफेशनल, दे विल डेफिनेटली रिकमेंड यू. अब उससे फायदा दोनों का ही है, एक तो आप भीड़ से बच गए, अगर 1000 लोगों ने अप्लाई करा हुआ है, उस बंदे ने जो उस कंपनी में काम करता है उसने आपको रिकमेंड कर दिया, देन आप उस 1000 बंदों की लाइन से कम में आ गए, अब 50-100 की लाइन बच चुके जो मतलब ऑलरेडी रिकमेंड करके बैठे होंगे. तो देख लो कितना फर्क आ गया, एंड यू विल गेट like quick response compared to that bid. अब उससे recommend करने का क्या फायदा है, अगर आपने crack कर दिया interview, the person will going to get a huge bonus. और ये हर company में होता है, not just only one company, हर company में, even in my own company जैसे अब तक I think 5-6 लगा चुका हूँ, और पर बंदे का bonus 30-40 आराम से मिल चुका है मुझे. So कह सकते हैं this is the, again a kind of side income. हर महीने एक बंदा लगाओ, एक bonus ले जाओ. Isn't it good? I think another one. So that's all guys. I hope ye information aapko pasand aayi ho. Pasand aayi to like karo, comment karo, koi issue to zarur usko aapko reply karunga, and make sure to subscribe it. Tab tak ke liye goodbye, take care. Milte hain apni agli video mein.